समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दलित समाज के सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में अनुसूचित समाज के लोग। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त एवं चंद्रशेखर चौधरी बाबा साहब वाहिनी रहे एवं विशेष अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के विधानसभा अतरौलिया के अध्यक्ष हरिराम ने एवं संचालन राजेंद्र राम ने किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने कहा कि दलित समाज हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। दलित समाज ने कभी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। यह समाज न्याय के पथ पर चलकर हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। जो सम्मान दलित समाज का समाजवादी पार्टी में है वह सम्मान कहीं पर नहीं। दलित से हमारा पारिवारिक संबंध है। दलित समाज की बदौलत ही आगामी समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि अम्बेडकर नगर के पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त और क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। सर, अनुसूचित समाज का सम्मेलन हुआ है 2022 के चुनाव में ध्यान रखते हुए अनुसूचित समाज के मान सम्मान के लिए सम्मेलन रखा गया जी, जी। सर, अनुसूचित समाज की दो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देखिए, वर्तमान समय में आज अनुसूचित जाति का पूरे प्रदेश और देश का समाज बड़े पैमाने पर चिंतित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए दिन जो है इस बात की साजिश में लगी हुई है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सर्वजन समाज के सम्मान के लिए संविधान बनाया था उस संविधान को ये बदलना चाहती है। अभी आपने देखा था जो सदन चल रहा था, इसमें राजस्थान के एक राज्यसभा सांसद ने संविधान के संशोधन के लिए, संविधान को बदलने के लिए एक प्रस्ताव भी लाया था। इसको लेकर हमारा अनुसूचित जाति का समाज बहुत चिंतित है, इसलिए वो इस बात की तैयारी में है कि हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए कमर कस कर तैयारी करना है। और इस संविधान को अगर कोई लोकतंत्र को बचाने का आज मौके पर काम कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा का पूरा समाज तैयारी में लगा हुआ है। सर, हजारों की संख्या में दलित समाज यहाँ एकत्रित हुआ जी, जी। लगभग 4 किलोमीटर जी लंबी गाड़ियों का काफिला लगा जी और हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यालय में दलितों का एकत्रित हुआ। सर, इसे क्या संदेश जाता है कि दलित समाज समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर भी पूरी तरह से 4 किलोमीटर आप अभी देख रहे हैं, आप देखेंगे आगे 44 किलोमीटर के दलित नजर आएंगे, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा दलित समाज है और जिनके बुजुर्गों ने बहुत ही आंदोलन करके इस देश को बचाने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहास के पन्ने में आप जाएंगे, जब अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चला करके हिंदुस्तानी निर्दोष लोगों को, लाखों लोगों को मरवाने का काम किया था, तो उसका बदला लेने के लिए भी कोई लंदन की धरती पर जा करके अगर उसका बदला लिया था तो वो दलित समाज का बेटा डॉक्टर ऊधम सिंह जी था, जो एक दलित समाज का बेटा था और पार्लियामेंट में जा करके उन्होंने गोली मारने का काम किया था। इसलिए आज दलित समाज का हर नौजवान, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात की तैयारी में है कि हमें संविधान की रक्षा करना है और चाहे जो कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी हर कुर्बानी को दे करके इस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। क्या सर लगता है 2022 में दलित समाज से तमाम ऊधम सिंह पैदा होंगे? निश्चित तौर से, अगर संविधान की तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान की समीक्षा की बात की थी, तो ऊधम सिंह के ही बताए हुए रास्ते पर चल करके माननीय कांसीराम साहब ने संविधान बचाओ साइकिल यात्रा पूरे हिंदुस्तान से निकाला था और आप कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर साइकिल चला करके माननीय कांसीराम साहब ने समाज को तैयार किया था। उसी तरह से आज हम लोग माननीय कांसीराम साहब के पुजारी और अनुसूचित जाति का अनुसूचित समाज का सम्मेलन हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में अनुसूचित समाज के लोगों ने कार्यालय पर एकत्रित हुए। आपको क्या लगता है विधायक जी, अनुसूचित समाज का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया? देखिए, अब जो होशियार हैं समझ सके तो समझे, ना समझे तो नाड़ी है, है? तो आपने देखा कि कैसे कितने उत्साह के साथ लोग आए, हमारी माताएं बहनें सब धज करके, नौजवान साथी झंडा नारा लगा करके, और साफ साफ उन्होंने कहा कि अम्बेडकर वादियों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। तो ये बहुत ऊंचे मन से आए हैं लोग और तय कर लिए हैं, अभी गांव-गांव हम जा रहे हैं,
हमारी कुशमारा की प्रधान देखे प्रवृत्ति जी, और अभी आपसे ये सामने कर रहे हैं कि इतना वोट मारेंगी कि किसी का पता नहीं चलेगा। तो ये चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का एक इनकलाबी चुनाव है, एक बदलाव का चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ धोखा किया उससे लोग गुस्से में हैं। जो कोरोना के कारण ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ दिए वो लोग गुस्से में हैं। बेरोजगार नौजवान है जो दर दर भटक रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, पेपर आउट हो रहा है, और बोर्ड लग रहा है दमदार सरकार। कहेगा दमदार सरकार जिसने 21 लाख लोग जो TT का परीक्षा देने गए थे परीक्षा पेपर को आउट करा दिया, और SIT ने कहा कि इन्होंने आउट क्या, उसके घर पे बुलडोजर चला, क्यों नहीं बुलडोजर चला उसके। 21 लाख TT परीक्षार्थियों के सपनों को जिसने तोड़ा, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। इसलिए बुलडोजर वहाँ नहीं चला है क्योंकि सरकार के लोग और स्वयं मुख्यमंत्री उस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। 69,000 शिक्षक भर्तियों के साथ क्या हुआ, अभी सरकार कह रही गलती हो गई, गलती नहीं बहुत ज़्यादा पद को सरकार हड़प ली। तो सरकार जो है शोषितों वंचितों के अधिकारों का कुठाराघात कर रही है, उनकी नौकरियों को लूट रही है, और जब लोग हल्ला कर रहे हैं मरने मिटने के लिए आतुर हो जा रहे हैं तब सरकार कहती है कि गलती हो गई है और हम इसमें अब सुधार करेंगे। उसी तरह से जैसे कृषि अध्यादेश आपके सामने हम लोगों ने आंदोलन किया, ट्रैक्टर रैली निकाला तो हमारी रैली को रोका जा रहा था, कहा जा रहा था जनता गुमराह, तो क्यों तुमने कानून वापस लिया। तो असल में सरकार इस देश को अडानी के हाथों गिरवी रखना चाहती है, अंबानी के हाथों बेचना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ सामने घुटने टेकती हुई है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये कभी देश के लिए काम ही नहीं किए। अगर ये देश के लिए काम करते तो शोषितों वंचितों के लिए कोई विश्वविद्यालय बनाए, कोई अस्पताल बनाए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।